हेलो स्टूडेंट्स, जिन लोगों का जुलाई 2024 में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोगों की बहुत क्वेरीज आ रही है कि मैम साइंस में केमिस्ट्री वाले पोर्शन से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हमें तैयार करने हैं। तो आज मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपके पेपर में इन्हीं टॉपिक से सवाल आएगा। तो वो टॉपिक्स क्या है केमिस्ट्री के, जरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एसिड, बेस और सॉल्ट्स। आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि एसिड जो होंगे, अगर मैं लिटमस की बात करूँ तो वो एसिड में कलर क्या शो करेगा, बेस में क्या कलर शो करेगा। सॉल्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो हमें मिट्टी के पीएच को अगर बदलना है, स्टमक के पीएच को अगर चेंज करना है तो हम किस तरह के सॉल्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरा, फिजिकल और केमिकल चेंज, इनके एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं कि भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन है इनके उदाहरण क्या होंगे, पेपर में इनके एग्जाम्पल से सवाल आता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कोल और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। आपको कोल और पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट याद करने हैं, क्योंकि आपके पेपर में सवाल आएगा कोल और पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। और साथ में इन बाय प्रोडक्ट के जो यूजेस होंगे वो भी आपको ध्यान में रखने हैं कि इनके उपयोग कहाँ पर किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंबक्शन और फ्लेम, यानी अगर मैं बात करूंगी दहन की और जो ज्वाला है, आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू किसको क्या कहा जाएगा, और साथ में आता है इग्निशन टेम्परेचर हम किसको कहते हैं। तो और इसके अलावा एक पार्ट यहाँ पर बनता है कि गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, अच्छे ईंधन की क्या क्या खासियत होंगी, बस ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब हो जाएगा जो भी हमारे पास पदार्थ होंगे उनका पृथक्करण हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कुछ फेमस सेपरेशन टेक्निक्स होंगी, जैसे सब्लिमेशन कहाँ पर यूज होगा, इवापोरेशन कहाँ पर यूज होगा, ठीक है। इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन, तो ये तीन चार टेक्निक्स हैं, ये आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक होगा क्लोथिंग मटेरियल इंटू ग्रुप्स, यानी जो हमारे पदार्थ होंगे उनको कैसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैम ये टॉपिक हम कवर कहाँ से करें, हमें कहाँ से पढ़ना और कितना पढ़ना है। तो बेटा क्लास 6, 7, 8 इन तीनों की एनसीईआरटी बुक्स में देखना, आपको ये तीनों ये सारे टॉपिक्स आपको वहां से मिल जाएंगे। आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी को आप पढ़ोगे, उन तीनों एनसीईआरटी के अंदर आपको ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। इनको आपको वहीं से पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, इनसे बाहर पेपर में कोई सवाल नहीं बनेगा केमिस्ट्री वाले पोर्शन से। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो कि केमिस्ट्री वाले पोर्शन में साइंस में पूछे जाएंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके सीटेट 2024 के जुलाई के एग्जाम में वहां से सवाल बन के आएंगे, ठीक है बेटा। तो इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट को, आपके डाउट को बिल्कुल आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।